करवट ली है। मौसम बदलने से मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। अस्पताल में मौसमी बीमारियों के मरीज देखने को मिल रहे हैं। मौसम बदलने से मच्छर पनप रहे हैं और डेंगू का खतरा अब बढ़ रहा है। CMHO प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने बताया कि आशा सहयोगिनियों घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। वो घर और घर के बाहर पानी जमा नहीं होने के निर्देश दे रही हैं। नरोत्तम शर्मा ने कहा है कि सप्ताह में एक दिन कूलर साफ करना जरूरी है। वहीं गंदे पानी में टैमीफ्लू की गोलियां डाली जा रही हैं। प्रतिवर्ष की बात ही इस वर्ष भी मौसम चेंज होने के साथ साथ मौसमी बीमारी की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और जहाँ तक मच्छर संख्या उसमें बढ़ोतरी हुई है। हमारे द्वारा सभी शहर के साथ साथ जो गाँव ग्रामीण स्तर तक एंटी मलेरियल एक्टिविटी शुरू करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। लोगों द्वारा टीम जो हमारी NM आशा है घर घर जाके लोगों को इसके बारे में IEC कर रही हैं कि किस तरह से सप्ताह में एक दिन अपने कूलर पानी साफ करना है, कूलर को सूखा रखना है, अन्य जो पॉट है जो पानी है उनको भी खाली करके वो सुखाना है जिससे कि लार्वा उत्पन्न नहीं हो। साथ में उनके पानी और टैमीफ्लू की गोली डाली जा रही है। जो गड्ढे हैं उनके अंदर जला हुआ तेल डलवाया जा रहा है। जो बड़े जलाशय हैं उनके अंदर हमारे गंबूशिया फिश हैं उनको डाला जा रहा है। साथ में देखा गया है कि इस बार भी डेंगू स्वाइन फ्लू और सब टाइफस इन केसों में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती जा रही है। तो इनके लिए विशेष हमने उनको अलर्ट जारी किया है कि स्वाइन फ्लू केसों के लिए तुरंत यदि पेशेंट क्योंकि इसके सिम्टम भी बिल्कुल आपके कोरोना या अन्य वायरल इन्फेक्शन जैसे इन्फेक्शन होते हैं।